वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने इन टर्मिनोलॉजीज को जरूर सुना होगा जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, दैट इज आईआईपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, या फिर आईसीआई दैट इज इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज, या फिर कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज के बारे में। तो आज के सेशन में हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे कि ये एक्चुअली रिप्रेजेंट क्या करते हैं, कौन इनको पब्लिश करता है। ऑल दिस थिंग्स वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दिस सेशन। तो आपने दो दिनों पहले न्यूज सुना होगा, इकोनॉमिक टाइम्स में आया था, को सेक्टर कॉन्ट्रैक्शन फर्दर स्लोज इन जून, ओनली फर्टिलाइजर सेक्टर शोज ग्रोथ, राइट। और कुछ हफ्तों पहले आपने ये न्यूज भी सुना होगा रिलेटेड टू आईआईपी, फुल आईआईपी डेटा रिमेन्स इल्यूसिव ड्यू टू कोविड 19। तो इन दोनों न्यूज में अंतर क्या था? जो दो दिनों पहले आया था, दैट इज योर अराउंड इन 30th of July, ये रिलेटेड था आपका आईसीआई से, दैट इज इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज। और जो 11 जुलाई के आसपास न्यूज पब्लिश हुआ था, दैट वाज रिलेटेड टू योर इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो ये दोनों है क्या, इसे कौन पब्लिश करता है, कब पब्लिश करता है और क्यों पब्लिश करता है, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दिस लेक्चर अहेड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं सारी चीजें इन दोनों से रिलेटेड। नाउ अब आप ये फ्लो चार्ट देखिए और चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, इससे काफी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, जो हमारा आईसीआई है और हमारा आईआईपी है, ये कैसे पब्लिश होता है और कौन इसे पब्लिश करता है। यहाँ पे देखिए इस बॉक्स में जितने, ठीक है, डिपार्टमेंट्स एंड कमिटीज के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया गया है, ये आप गो थ्रू कर सकते हैं। यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन डेटा लेके, कौन डेटा लेता है, ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर जो है वो यहाँ से सारे डेटाज को लेता है, कंपाइल करके, ठीक है, क्या पब्लिश करता है। मान लीजिए इन्होंने डेटा लिया, कब डेटा लिया, इन्होंने ले लिया आपका मार्च महीने में, ठीक है, इन्होंने मार्च महीने में डेटा लिया यहां से और ये पब्लिश करते हैं मार्च महीने में डेटा लेके, 30 दिनों का टाइम लेके 30th of April में ये पब्लिश कर देंगे। क्या पब्लिश करेंगे, ये पब्लिश करेंगे इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज, ठीक है, आईसीआई को ये पब्लिश करेंगे, दैट इज ओईए, ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर। 30 दिनों का टाइम इन्हें लगता है, ठीक है, तो मार्च महीने का जो आईसीआई पब्लिश होगा वो 30th अप्रैल को होगा, ठीक है। अब क्या होता है, इसके पब्लिश होने के बाद सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसके पब्लिशमेंट के 12 दिनों के बाद सीएसओ डिफरेंट सोर्सेस, सेकेंडरी सोर्सेस से डाटा लेके और यहां से भी डाटा लेके, ठीक है, 12 मई को पब्लिश करेगी आपके आईआईपी को, ठीक है। तो ये होगा टाइम फ्रेम रिलेटेड टू पब्लिकेशन ऑफ योर आईसीआई एंड आईआईपी, ठीक है। 30 दिन का टाइम लगेगा आपको आईसीआई का आने में, फिर वहां से और 12 दिन जोड़ लीजिएगा तो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स के अंदर आती है, वो पब्लिश करती है आपके आईआईपी को 12 मई को। तो जिस महीने का आपको डेटा चाहिए, ठीक है, वहां से आपको लग जाएंगे करीबन 6 वीक्स का टाइम आईआईपी डेटा लेने के लिए, ठीक है। मार्च से आप पहुंच गए मई में, अप्रैल महीने का 30 दिनों का टाइम और 12 दिनों का मई महीने का टाइम, तो अराउंड 42 डेज इट टेक्स टू पब्लिश दी योर आईआईपी डेटा फ्रॉम द रेफरेंस मंथ जिसका आपको डाटा चाहिए। तो मार्च से मई आने में कितने दिन लग गया, 6 वीक्स, 42, और कैसे कैसे वो हमने देख लिया। सबसे पहले आ गया आईसीआई, आईसीआई के बाद वहां पे 12 दिनों जोड़ के सीएसओ जो है पब्लिश कर देता है आपके आईआईपी को। तो पब्लिकेशन दोनों मिनिस्ट्रीज के अलग है, आईसीआई को पब्लिश कौन कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स कर रहा है, और जो है आपका आईआईपी इसको कौन पब्लिश कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स इसको पब्लिश कर रहा है। तो इन दोनों चीजों को आप याद रखेंगे। तो हमने अब बेसिक देख लिया कि आईआईपी और आईसीआई कब पब्लिश कर रहा हो रहा है और कौन इसे पब्लिश कर रहा है, दोनों चीज क्लियर हो गए। अब हम इनके बारे में देख लेते हैं कि है क्या, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या है, ये इंडेक्स है। इंडेक्स क्या है, इंडेक्स इज नथिंग बट योर इंडिकेशन और इंडिकेटर है कुछ चीज का, ये मेजर कर रहा है, किसको मेजर कर रहा है, डिफरेंट सेक्टर्स जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज है उनके आउटपुट को मेजर कर रहा है, ठीक है। तो इट मेजर्स द रिलेटिव ग्रोथ ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रीज ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। क्यों शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज दिस टाइम इज ओनली ऑफ योर 1 मंथ, हर एक मंथ का हमें आईआईपी डेटा मिलता है, मार्च हो, मई हो, जून हो, जुलाई हो, हर एक मंथ का हम शॉर्ट टर्म में डेटा लेते हैं ताकि हम अपने इंडस्ट्रीज के प्रोग्रेस को मंथ वाइज मंथ ट्रैक कर सके। तो दिस इज योर आईआईपी, हम हर एक जो इंडस्ट्रीज है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जितने भी इंडस्ट्रीज है रिलेटेड, कौन कौन से है ये इंडस्ट्रीज वी विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। बट यहाँ पे आप इतना ही जानिए
कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है शॉर्ट टाइम में, शॉर्ट टर्म इंडिकेटर है ऑफ योर प्रोडक्शन ऑफ योर डिफरेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, ठीक है। जो बेस ईयर लिया गया है इसको प्रोड्यूस करने के लिए, दैट इज 2011-12 के टर्म्स में हम देखते हैं, ठीक है। यह बेस ईयर फ्रीक्वेंसी, एज आई टोल्ड यू, हर मंथ का डेटा आपको मिलता है, बट यह पब्लिश होता है 6 वीक्स के गैप में, और इसे पब्लिश करता है CSO, जो मैंने आपको बता दिया। तो ये है रिलेटेड टू योर बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ IIP। अब हमने देखा IIP में जो टर्म आ रहा था इंडस्ट्रियल, तो इसमें कौन कौन से सेक्टर्स आते हैं। तो एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन के हिसाब से इसमें इतने सारे सेक्टर्स आते हैं, राइट। मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस स्टीम, एयर कंडीशन, वाटर सप्लाई, वेस्ट मैनेजमेंट, तो ये सारे हैं। बट इंडिया के कंटेक्स्ट में एज पर नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन हम इन्हीं 3 को लेते हैं, बिकॉज इंडिया भी एक डेवलप कंट्री, ये जो फैक्टर्स हैं हमारे इंडिया में इतने डेवलप नहीं है और इनका डेटा भी रेडिली अवेलेबल नहीं है। सो वी कंसिडर ओनली दिस 3 सेक्टर्स ओनली, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी। इन्हीं के अंदर जो है कोर इंडस्ट्रीज भी इन्हीं के अंदर आ जाते हैं, जिनका वेट 40% आप लोगों ने सुना होगा, वो इसके अंदर ही आ जाता है, ठीक है। तो ये है डिफरेंट इंडस्ट्रीज और सेक्टर्स जो कि आपके IIP में कंसीडर किया जाता है। नाउ IIP का डेटा जब भी पब्लिश होता है, व्हाट इंफॉर्मेशन डू दे गिव, तो जो पहला स्टेटमेंट होता है IIP का वो आपको देता है सेक्टोरल वाइज, ठीक है, किस सेक्टर में कितना आउटपुट हुआ, किस सेक्टर में कितना ग्रोथ हुआ है। तो मैन्युफैक्चरिंग पहला सेक्टर, दूसरा माइनिंग, ठीक है, तीसरा इलेक्ट्रिसिटी, और चौथा है कंबाइंड सबको लेके। तो हम कंपेयर करते हैं कि कंबाइंड कितना ग्रोथ हुआ हर मंथ ईच एंड एवरी सेक्टर में। दूसरा जो डेटा हमें मिलता है IIP से, दैट इज यूज बेस्ड, यूज के बेसिस पे भी IIP हमें डेटा देता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि किस बेसिस पे आपको डेटा दिए जाते हैं, तो दोनों है, सेक्टर वाइज एंड यूज बेस्ड। तो यूज बेस्ड पे प्राइमरी गुड्स, कैपिटल गुड्स, ठीक है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, नॉन ड्यूरेबल्स, एवरीथिंग इज कंसिडर्ड अंडर दिस योर यूज बेस्ड डेटा ऑफ IIP। नाउ दोस्तों, अब तक आप लोगों ने देख लिया IIP के बारे में, ठीक है, IIP में कौन कौन से सेक्टर्स आते हैं, ठीक है, वो भी आपने देख लिया, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जितने भी मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल यूनिट्स होंगे वो सारे IIP में होंगे। तो IIP में जो है वो सारे, ठीक है, सिर्फ कोर इंडस्ट्रीज ही नहीं है IIP में, बट उससे आगे बढ़ के भी जो छोटे छोटे जितने इंडस्ट्रीज हैं सब IIP में कंसिडर कर लिया जाता है, बट मेनली डेटा इज फोकस्ड फॉर योर कोर इंडस्ट्रीज। बट जब ICI के बारे में बात करते हैं, इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज, ये है क्या, इट इज द मंथली इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज, ठीक है, सिर्फ ये मंथली इंडेक्स है सिर्फ कोर इंडस्ट्रीज का, इससे ज्यादा ये इंफॉर्मेशन नहीं देता है। बट IIP में कोर इंडस्ट्रीज के साथ साथ माइनर जो इंडस्ट्रीज है उनके बारे में भी जानकारी दिया जाता है। तो इसलिए ICI मेजर्स द कलेक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ ओनली 8 कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज, कौन कौन से है, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे, ठीक है, हमारे कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज हैं, और इनका वेट जो है 40.27 है, आप लोगों को पता ही होगा। हाईएस्ट वेट किसका है यहाँ पे, हाईएस्ट वेट है आपका यहाँ पे रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का, दिस हैज द हाईएस्ट वेट, दिस वेट्स आर गिवन एज पर द इम्पोर्टेंस। जो ये छोटे छोटे सेक्टर्स अलग अलग, ठीक है, इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स में हेल्प कर रहे हैं उस हिसाब से गवर्नमेंट ने इन्हें वेट असाइन किया है, तो ये है वेट। बट अब जब ICI की बात करो तो देखो वेटेज चेंज हो जाता है, क्यों चेंज हो जाता है, बिकॉज देखो ये वेट को जोड़ के यहाँ पे 100% आ रहा है, क्यों 100% आ रहा है, बिकॉज ICI में सिर्फ हम इन 8 कोर सेक्टर्स के बारे में ही बात करते हैं, बट IIP में देखो वेटेज 40.27 ही क्यों आ रहा है, क्योंकि इनके अलावा और भी सेक्टर्स हैं जिनको डिस्कस किया जाता है, भले ही हम उन्हें मेंशन नहीं करते हैं बिकॉज वो माइनर है, बट उनको भी कंसिडर किया जाता है। तो इसीलिए वेटेज जो है आपका IIP में, याद रखिएगा, कोर इंडस्ट्रीज का 40.27 है, बट ICI में इनका वेटेज जो है 100% इसलिए हो जाता है बिकॉज ओवरऑल हम सिर्फ ICI में इन 8 सेक्टर्स के बारे में ही बात करते हैं, बट IIP में हम दूसरे के बारे में बात करते हैं, इसलिए टोटल वेट जो है इन कोर का 40.27 ही होता है। बट जो मेजर हमारे इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करता है ये 8 कोर सेक्टर ही करता है, इसलिए न्यूज में आपको हमेशा इनके बारे में ही, ठीक है, न्यूज पब्लिश किया जाता है। तो ये आपको एक मोटा मोटा, ठीक है, अंदाजा आप मिल गया होगा कि IIP और ICI एक दूसरे से डिफरेंट कैसे है और इनका वेटेज कैसे चेंज होता है।
नाउ अभी कुछ दिनों पहले दैट इज ऑन 30th of July जो न्यूज पब्लिश हुआ था दैट वाज वन रिलेटेड टू इंडेक्स ऑफ योर कोर इंडस्ट्रीज बिकॉज कौन सा दिन है आप ध्यान दीजिएगा 30 जुलाई 30 जुलाई मंथ के एंड में हमेशा आईसीआई पब्लिश होगा ठीक इसके 12 दिन बाद आपको क्या पब्लिश होगा दैट इज 12th of August के आसपास आपका पब्लिश होगा आईआईपी तो डेट देख के भी आप समझ सकते हो कि कब क्या पब्लिश हो रहा है ये मंथ एंड में हमेशा आईसीआई पब्लिश होगा और 12 तारीख के दैट इज मिड ऑफ द मंथ के आसपास हमेशा आईआईपी पब्लिश होगा तो जो अभी 30th को आईसीआई पब्लिश हुआ था इसमें देखिए जो कोर सेक्टर्स के बारे में बताया गया है ड्यू टू COVID-19 जो हमारे सारे कोर सेक्टर्स जो है नेगेटिव ग्रोथ शो कर रहे हैं कंपेयर टू योर जो हम बेस पीरियड अगर 11-12 से कंपेयर करेंगे ठीक है इसीलिए बेस पीरियड लिया जाता है कंपेरिजन के लिए तो कंपेयर करेंगे तो सारे देखिए यहाँ पे रेड 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 है बट एक ही आपको ब्लू दिख रहा होगा दैट इज योर फर्टिलाइजर सेक्टर क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर आपको पता होगा COVID-19 में ठीक है हमारा क्योंकि सारे लेबर्स माइग्रेंट्स चले गए तो अपने अपने घर में उन्होंने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को स्टार्ट किया तो फर्टिलाइजर्स के डिमांड वहां से बढ़े हैं ठीक है बीइंग द खरीफ सीजन आल्सो द फर्टिलाइजर डिमांड हैज इंक्रीज्ड तो यही एक है जो पॉजिटिव ग्रोथ दिखा रहा है बाकी सारे नेगेटिव ग्रोथ दिखा रहे हैं ठीक है तो कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज को ठीक है दर्शाया गया था दिखाया गया था अभी जो रिपोर्ट पब्लिश हुआ था 30th of July को अगर हम 3 महीनों का कंपैरिजन करें ठीक है तो कोर इंडस्ट्रीज हमारे अप्रैल महीने में सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हुए थे कोविड का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट उस टाइम था फिर थोड़े लॉकडाउन ईज होने लगे तो मई महीने में -22 है ओवरऑल जो हमारे कोर इंडस्ट्रीज का ठीक है कॉन्ट्रैक्शन है जून में देखिए कॉन्ट्रैक्शन और कम हो गया -15% तो इस तरह से आगे बढ़ के भी कॉन्ट्रैक्शन कम होते जाएगा और पॉजिटिव हो जाएगा ड्यू टू ईजिंग ऑफ लॉकडाउन तो ये सारे चीज इंपॉर्टेंट है आप एक कंपैरिजन जरूर देखें जब भी न्यूज़पेपर में पब्लिश हो कि पिछले ठीक है रेफरेंस से ये कैसा भी परफॉर्म कर रहे हैं तो ये जो डेटास पब्लिश होते हैं डेफिनेटली ये यूजफुल है ठीक है ये यूजफुल है आपके मिनिस्ट्री के लिए भी गवर्नमेंट के लिए भी एंड डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस लाइक आरबीआई के लिए भी बिकॉज इसी हिसाब से जो हमारे डिफरेंट पॉलिसी होते हैं पॉलिसी रेट्स होते हैं इसी पे डिपेंड करते हैं ठीक है तो ये जीवीए जीडीपी कैलकुलेशन जो है उसमें भी हेल्प करता है और एक इम्पॉर्टेंट टर्म आता है आपका एएसआई दैट इज एनुअल सर्वे इंडस्ट्रीज जो हमने आईआईपी अभी तक पढ़ा वो हमने पढ़ा ये शॉर्ट टर्म इंडिकेटर है बिकॉज मंथ वाइज इंडिकेशन लेते हैं बट एएसआई जो है एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज ये ईयरली बेसिस पे होता है सो दिस गिव्स ए लॉन्गर ठीक है इंडिकेशन ऑफ द ग्रोथ ऑफ आवर इंडस्ट्रीज तो इन दोनों में ये डिफरेंस भी आप याद रखेंगे एएसआई और आईआईपी से रिलेटेड तो ये तो दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू आवर आईआईपी आईसीआई एंड द कोर इंडस्ट्रीज आई थिंक नाउ इट्स वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू ये है क्या और ये क्या इंडिकेट करते हैं सो फ्रेंड्स इफ यू लाइक दिस वीडियो अगर आपको ये पसंद रहा होगा तो प्लीज लाइक बटन को हिट करें और सब्सक्राइब करें थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस थैंक यू माई डियर फ्रेंड्स